नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है महाशक्तिशाली टोट के YouTube चैनल में। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि कब, क्या, कहां और कैसे करना है कुछ ऐसे टोट के, कुछ ऐसे उपाय जो आपके जीवन की हर तरह की परेशानी और कठिनाई को दूर कर देंगे। दोस्तों, अच्छे स्वास्थ्य और भाग्यशाली संतान के लिए गर्भवती स्त्री को इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं और आप चाहती हैं कि भाग्यशाली संतान और अच्छा स्वास्थ्य मिले तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, जुड़े रहिए महाशक्तिशाली टोटके चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, स्वस्थ और भाग्यशाली संतान के लिए जिस मंत्र का जाप करना है, आइए जानते हैं ये मंत्र कौन सा है। शास्त्रों में गर्भवती स्त्री की कामना को पूरा करने के लिए उपाय बताया गया है। अगर कोई भी गर्भवती स्त्री ये चाहती है कि उसकी संतान भाग्यशाली हो और स्वस्थ हो तो इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से उसकी संतान अवश्य ही स्वस्थ और भाग्यशाली होती है, क्योंकि दोस्तों मंत्रों में बहुत ताकत होती है। दुनिया में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं जिसका समाधान मंत्र से नहीं किया जा सकता हो। धन की कमी हो या संतान सुख या फिर शत्रु से मुक्ति, हर प्रकार की बाधा को मंत्र साधना से दूर किया जा सकता है। गर्भवती स्त्रियों को भी स्वस्थ और भाग्यशाली संतान के लिए मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर कोई स्त्री गर्भवती है या गर्भ धारण कर रही है या मध्यम चरण में है तो भी ये मंत्र उसकी रक्षा करता है। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस मंत्र का जाप कैसे करें। इस मंत्र के जाप से पहले गर्भवती महिला को भगवान शिव की संतान भगवान गणेश की मूर्ति अपने घर में लानी है। गणेश जी की इस मूर्ति के आगे बैठकर इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप करने से पहले गणेश जी को मोदक का भोग लगा सकते हैं। गणेश जी को कम से कम 2 मोदक का भोग अवश्य लगाएं। ये मोदक भगवान गणेश के हाथों से ही बने होने चाहिए। इन्हें ग्रहण भी केवल गर्भवती स्त्री को ही करना है। मोदक का ये प्रसाद घर में अन्य किसी सदस्य को ना दे। ये चमत्कारिक मंत्र है रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य नायक भक्त नाभ्यम कर्ता त्राता भव भवान वात। आप इस मंत्र का जाप जरूर कीजिए और इसके द्वारा स्वस्थ और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति कीजिए। आपको इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार यानी कि एक माला तो अवश्य करना है। संभव हो तो इससे अधिक बार भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। प्रसव का समय आने पर जाप संख्या बढ़ाई जा सकती है, इससे प्रसव आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हमने आपको बताया इस मंत्र के बारे में, जिसका जाप करने से आपको भाग्यशाली और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी। आपको दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि ये जानकारी किसी के काम आ जाए। इसी तरह के महाशक्तिशाली टोटके के लिए जुड़े रहिए महाशक्तिशाली टोटके चैनल के साथ।